ठीक है, मनीष सिंह जी आपका रिएक्शन 40 और 39 पे आपका गठबंधन और 40 पे सत्तारूढ़ दल का गठबंधन इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है ईवीएम काउंटिंग की और डेटा उनका वहीं जाएगा जैसा आकलन है 60 के पार या 65 के पार। आस्था जी अभी शुरुआती दौर में भी मैं ये बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी जो हमें भरोसा दिया, हमें साथ दिया जनता ने, हम उसके शुक्रगुजार होते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस अभूतपूर्व निर्णय के लिए तैयार रहे जो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जनता के मन को टटोलने में भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई कि जनता के मन में कितनी बड़ी नाराजगी है। ये बार बार कहते थे कि हम खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, 81 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे राशन आप क्या अपने घर से दे रहे थे? उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने इस बात को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपने समझाने में कहीं ना कहीं आप विफल हुए कि आप खाद्यान्न का जो वितरण कर रहे हैं, राशन का जो वितरण कर रहे हैं, वो हमारे टैक्सेस के पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे। लगातार आप महंगाई बढ़ाते हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दिया, ये वाली मत दीजिए क्योंकि बाद में तीसरे चरण के बाद आपको भी इसी पर आना पड़ा ना, और आपको कहना पड़ा कि वो 5 किलो दे रहे हैं तो हम 10 किलो देंगे। आप भी तो टैक्स के पैसे से ही देंगे, अपनी जेब से तो देंगे नहीं, ये वाला मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बार बार बदले गए और कहा गया कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे कि किस सीट पर किसको उतारा जाए, लेकिन आप लोग लगातार ये कहते रहे कि हमारी रणनीति का हिस्सा है, क्या आप इसको माना जाए कि वाकई में आप ये देखना चाहते थे कि बीजेपी किसको उतारती है, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम यहां बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, ये रणनीति का हिस्सा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अच्छे और जो लोकप्रिय उम्मीदवार थे उनकी पूरी चयन सूची उन्होंने बना करके रखी हुई थी कि कौन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आता है, उसके सामने हम किसे मैदान में उतारेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लड़ाई को आगे बढ़ करके लड़ा है और हम उनके पीछे उनके मुद्दों को लेकर के खड़े रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक यशस्वी चेहरा है जिनके ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं है, बेदाग चेहरा लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम, देश की जनता के सामने गए। आज नतीजा आपके सामने और 39 का जो फिगर है ये 69 तक जाएगा, ये हमारा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को कहीं पर भी खड़ा नहीं कर पाएगी। प्रभाजी इसी पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, जैसे समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले और नैरेटिव यही सेट किया गया कि एसपी कंफ्यूज है, अखिलेश यादव कंफ्यूज है, गठबंधन कंफ्यूज है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि हमारी चाल का हिस्सा। और हमने देखा कि कन्नौज में कैसे पहले तेज प्रताप ने जाकर नॉमिनेशन की तैयारी कर ली थी और अचानक से अखिलेश यादव पहुंचते हैं और वो नॉमिनेशन कर देते हैं, तो क्या वाकई में सब कुछ रणनीति का हिस्सा था? नहीं, देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर इस बार अखिलेश यादव ने एक बड़ी चपलता से, जैसे कहेंगे कि एक रणनीति के तहत उन्होंने प्रत्याशी अपने उतारे, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी मनीष जी ज़्यादा खुश ना हो, ये अभी चौथा पांचवा राउंड है, फिगर बदलेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस जो 2022 में था कि 122 सीटें लेके वो एक मेजर पार्टी के रूप में उभरी थी विपक्ष के रूप में, और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी को 15-20-25 सीटों का डेंट लगेगा उसमें वो समीक्षा होगी बाद में कि जातिगत आधार पे उन्होंने जो छोटी छोटी जातियों को जोड़ा था, जैसे कि घोसी सीट राजभर हार रहे हैं, उनका बेटा हाँ, हारने जा रहा है, वो लगातार तो पीछे चल रहे हैं, चला कि नहीं चला, वो दांव चला कि नहीं पोस्टल बैलेट के इधर से पीछे चल रहे हैं। पश्चिम में जाट में जिस तरह जयंत चौधरी को साथ में लिया, क्या उसका जाट समुदाय में फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी समीक्षा की बात है। लेकिन एक बात मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, अगर आप लोग मुझे एक मौका दें, कि जैसे कि बात बीजेपी की सरकार की हो रही थी, पार्टी शाम को देखेंगे अभी।